Hey gamers, welcome back to another video. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू स्टेक 5 99% होने के बाद आपका स्टक हो जाता है या तो ओपन नहीं होता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो वहाँ पर भी आके अपना जो भी क्वेरी वगैरह होगा पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई वगैरह देते रहता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो क्यों ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इमुलेटर से रिलेटेड कंटेंट चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। तो आते हैं अपने वीडियो को टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो गेमर्स। सो यहाँ पे जो आपको ब्लू स्टेक 5 ओपन नहीं हो रहा या तो 99% पे जाके स्टक हो जा रहा, उसका क्या सोल्यूशन है? तो बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखते होंगे ब्लू स्टेक को मल्टी इंस्टा पे जाके वो लोग फिर से नया वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं मेरे पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, आपको आपके पीसी के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पीसी यहाँ पे कितने बिट का प्रोसेसर बेस्ट है। उसको चेक करने के लिए आप जिस पीसी में आप लोग आइए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए, यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप देखना है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एक 64 बिट बेस्ट प्रोसेसर। तो मेरा यहाँ पे पीसी जो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको यहाँ पे देखना है आपके पीसी में जाके कि आपका पीसी यहाँ पे कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वहाँ पे 32 बिट होगा तो आपको ब्लू स्टेक 5 पर 32 बिट वाला वर्जन वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर 64 बिट है, सिंपली आप 64 बिट वाले वर्जन को वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, जिससे भी आपका ब्लू स्टेक जो स्टक हो रहा था वो प्रॉब्लम फिर से देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सोल्यूशन तो मैंने बता दिया, अब आप बोलोगे कि इसको डाउनलोड कैसे करें, कि कौन सा वर्जन 32 बिट है, कौन सा 64 बिट वर्जन है, उसका भी सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल में चले जाना, यहाँ पर टाइप कर सकते हो 64 बिट, जैसे मेरा सिस्टम है तो मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लू स्टेक 64 बिट डाउनलोड लिखूंगा। पहला जो साइट आएगा सिंपली उसमें ओपन कर देना है, यहाँ पर 32 बिट या 64 बिट कुछ भी लिखोगे, यहाँ पे जो फर्स्ट साइट आएगा सिंपली उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, नाउगर 32 बिट, नाउगर 64 बिट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपके पीसी में जो भी बिट है उसके हिसाब से इसको डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद जो भी आपका स्टक होने वाला प्रॉब्लम हो रहा है वो सब देखने को नहीं मिलेगा। तो होप करता हूँ आप लोग को समझ में आओगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो अगर आपके पास और भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या तो मेरे सोशल हैंडल पे आके वहाँ भी बात कर सकते हो मेरे से, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई वगैरह देते रहता हूँ। तो होप करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट इस समय पर रेगुलर मिलते रहते हैं।